सीरीज आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का, साथियों उसी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ध्येय आईएएस की ये छठवीं टेस्ट सीरीज हमने लाया है। बेहतरीन इस मायने में है साथियों, इसमें जितने भी प्रश्न हैं 150 के 150 प्रश्न सब के सब जियोग्राफी से संबंधित हैं, और जियोग्राफी का ऐसा नया प्रश्न, सब के सब नए प्रश्न हैं, और नए प्रश्न इस आधार पर बनाए गए हैं जो चीज़ें करेंट में रही हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं ट्रेंड बदल चुका है प्रश्न आने का, हमें ये सोचना पड़ेगा प्रश्न आते कहाँ से हैं। तो साथियों प्रश्न जो चीज़ें करेंट में रहती हैं, तो करेंट अफेयर का क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही जाता है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जियोग्राफी से रिलेटेड करेंट में है, पॉलिटी से रिलेटेड करंट में है, हिस्ट्री से रिलेटेड करंट में है, इकोनॉमिक से रिलेटेड है, तो उसी क्वेश्चन को आपसे पूछा जाता है। यही ट्रिक होता है पकड़ने का कि कहाँ से हम पढ़ें, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो आप लोग ये जान लीजिए, पढ़ते तो सभी हैं, जो बच्चा छोड़ना सीख लिया कि हमें छोड़ना क्या है, तो सिलेक्शन के सबसे नज़दीक रहेगा। तो अभी मैं आपको पॉलिटी का बताया था इसके पहले, पॉलिटी का कि जो चीज़ें इस साल पॉलिटी में करंट रही तो उससे रिलेटेड जितने प्रश्न बन सकते हैं मैंने उसका टेस्ट सीरीज आपको करवाया। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, ये जो चीज़ें जियोग्राफी में करें मतलब खबरें में रही तो उससे रिलेटेड ये जोड़कर नए प्रश्न बनाया गया है जिनके आने की संभावना अधिक से अधिक है। कुछ प्रश्न आपको यहीं से एक दो चार मिल सकते हैं, और बाकी बहुत सारा कंसेप्ट, बहुत सारा फैक्ट आपको यहाँ मिलेंगे जो आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपको बहुत बड़ा मजबूती प्रदान करेंगे। तो साथियों बहुत बेहतरीन होगा, आज हमारे लिए बहुत ख़ास दिन है साथियों, क्योंकि आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज जो है 7 जुलाई है, और 7 जुलाई को साथियों हमारा जन्मदिन है, और अपने जन्मदिन के अवसर पर मैं ये वीडियो आज छठवीं टेस्ट सीरीज बना रहा हूँ ध्येय आईएएस की। और आपसे बस इतना निवेदन है कि आप बस हमें अगर अपना कोई उपहार देना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यही आपकी गुरु दक्षिणा होगी, यही आपका एक हमारे लिए उपहार होगा। साथियों बस यही कहना चाहते हैं, चले हम लोग पहलते हैं, देखें पहला प्रश्न में साथियों, एक तरफ जनजाति दी हुई है, देखें एक तरफ जनजाति दी हुई है और दूसरा तरफ क्षेत्र दिया हुआ है, कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है उसी को आपको मिलाकर और मैच करा देना है। साथियों मैचिंग वाला सवाल इतना बढ़िया होता है कि आपको आधी अधूरी जानकारी रहेगी तो आप उत्तर निकाल ले जाएंगे और आप अपना नंबर प्राप्त कर लेंगे। देखें इसमें साथियों दिया है ये 4 जनजातियां हैं, इन्हीं किन 4 क्षेत्रों में पाए जाते हैं उसे मिलाना। युमा साथियों मैक्सिको और कैलिफोर्निया में पाया जाता है, तो हम मिला दें युमा, मैक्सिको और कैलिफोर्निया, जो हमें सबसे ज़्यादा क्लियर हो उसी को मिलाएं। और शान हमें मालूम है दक्षिणी चीन और म्यांमार साइड में पाई जाती हैं जनजातियाँ, तो ये दक्षिणी चीन, म्यांमार और जो थाईलैंड इन सभी एरिया में पाई जाती हैं। और इंका कहाँ पाई जाती है साथियों, दक्षिणी अमेरिका के जो पेरू है देश वहाँ पर, तो इंका पेरू हमारा बचा, एक कंबा एक केन्या में पाई जाती है। तो इस हिसाब से साथियों ए हमारा 4 पर गया, तो देख रहे हैं ए 4 केवल इसी जगह पर है, बी में, बी 3 पर गया और सी 2 पर, डी 1 पर, बहुत बढ़िया। आगे हम लोग देखते हैं साथियों, देखें आगे क्या कह रहा है, एक एक चीज़ों को देखेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा, एकदम कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। देखें कह रहा है नॉर्वे, 4 देश दिया है और कह रहा है किसकी तटरेखा लंबाई को घटते क्रम में बताना है, इन 4 देशों जो तटरेखा होते समुद्र से तट लगे हुए हैं तो घटते क्रम में बताना है, यानी सबसे बड़ी जिसकी तटरेखा होगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो साथियों यहाँ पर जो सबसे बड़ी तटरेखा है, सबसे बड़ी तटरेखा होती है वो कनाडा की है, कनाडा आप लोग देखेंगे थोड़ा सा USA के साथ लगा है और बाकी पूरा चारों ओर उसके समुद्र है, तो कनाडा पहले नंबर पर होना चाहिए, तो 4 पहले होना चाहिए, तो यानी यहाँ 4 पहला नहीं है, यहाँ 4 पहले नहीं है, तो ये नहीं होंगे, ये हमें क्लियर हो गया है। अब हमारा कनाडा के बाद आप लोग देखेंगे साथियों नॉर्वे, यूरोप का है, पतला सा लंबा सा खूब फैला हुआ है, तो नॉर्वे है, यानी दूसरे नंबर पर नॉर्वे होना चाहिए था, तो एक जो है वो 2 नंबर पर होना चाहिए, तो 1 2 नंबर पर यहाँ है। अब सोचो हमें 2 ही जानकारी प्राप्त थी, फिर भी हमने उत्तर को निकाल लिया, इसका मतलब इसके बाद किसका होगा, नॉर्वे है, इसके बाद इंडोनेशिया, फिर रूस, तो ये आप कर लीजिएगा, ये होगा इनका क्रम, यही है घटते क्रम का, बहुत बढ़िया साथियों। इसी तरह से एलिमिनेशन मेथड लगाकर
आप भी प्रश्नों को सॉल्व किया करिए, इससे आपका समय बचेगा और जानकारी कम होने के वे रहेगा तो उस तब पर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चले हम लोग देखते हैं तीसरा वाला प्रश्न, बहुत बढ़िया साथियों। क्या है तीसरा, देख रहे हैं, कह रहा है इसमें उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन के बारे में कथन दिया है दो ठो, इन्हीं दोनों कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर देना है। तो साथियों देखें, उष्णकटिबंधीय सदाबहार जानते हैं, ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं और यहाँ के वर्षा के जो यहाँ इस टाइप के जो यहाँ मतलब सदा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन होते हैं, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं और ये जो वन होते हैं ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, इनकी पत्तियाँ एक साथ नहीं गिरती हैं। तो इसका विस्तार अमेजन बेसिन कांगो बेसिन तक है, करा है केवल, नहीं भाई और जगहों पर है इसका विस्तार जो है, देखेंगे आप लोग तो ये केवल जो दे दिया इसकी वजह से गलत होगा। अमेजन बेसिन कांगो बेसिन दक्षिण पूर्व एशिया इंडोनेशिया, तो यहाँ केवल की वजह से गड़बड़ आ गया, केवल का मतलब इतने में है तो ये गड़बड़ हो गया। रोजवुड महोगनी तथा आबनूस जैसे कठोर लकड़ियाँ वाले वृक्ष प्रमुखता से पाए जाते हैं, तो आपको मालूम है सही बात है, ये सब जो वृक्ष हैं 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और ये सब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। तो केवल यहाँ पर साथियों हमारा उत्तर ए होगा, क्योंकि दो कथन सही है, पहला गलत हो गया केवल की वजह से। आगे हम लोग देखें चौथा वाला साथियों, देखें चौथे में क्या कह रहा है। एक तरफ हमसे दिया है साथियों स्थानीय पवन दिया है, लोकल हवाएं, और दूसरी तरफ दिया है यह किस क्षेत्र में कौन सी स्थानीय हवा चलती है। तो साथियों यहाँ पर हमें उसी को मिला देना है। तो हम लोग सबसे पहले जो देखते हैं हबू बहुत है, ये सूडान में चलती है, तो जो सूडान एरिया है वहाँ पर चलती है। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सा सुमेलित सही है, तो कौन सा सही सुमेलित है, अच्छा सही सुमेलित पूछ रहा है ना, तो कौन सा सही सुमेलित है तो हमें मिलाना है। तो यानी तीन गलत हैं एक ही सही होगा। तो यहाँ पर देखें गिबीली दे दिया है इराक, तो गिबीली साथियों इराक में नहीं है, यह लीबिया में है, लीबिया याद रखिएगा। और 22 दे दिया है यह स्विट्जरलैंड, तो 22 स्विट्जरलैंड में, ये सही है, यही आपका उत्तर होगा 22 स्विट्जरलैंड में। और शामल दे दिया है जावा नहीं होगा, इराक होगा। और हबूब दे दिया है मैक्सिको, तो मैक्सिको नहीं, मैंने पहले बताया सूडान है। तो ये सब चीज़ों को याद कर लीजिए या कहीं लिख लीजिएगा, वैसे मैं बोल देता हूँ तो आप नहीं लिखेंगे फिर भी काम चल जाएगा आपका। तो साथियों चले हम लोग पाँचवें में देखते हैं, पाँचवें में देखें क्या है। यहाँ पर कह रहा है रेशम की तरह सफ़ेद मेघ यानी बादल, रेशम की तरह सफ़ेद बादल काफ़ी अधिक ऊंचाई तक यानी 10 से 15 किलोमीटर तक पाए जाते हैं, जो समांतर चक्रवातों के आगमन के पूर्व आकाश में उभर आते हैं। तो यह कह रहा है ये कौन से ऐसे बादल हैं, तो मेरे भाई यह पच्छाब बादल होते हैं। कौन से बादल, पच्छाब बादल। पच्छाब बादल के आप समझेंगे कैसे, कि समांतर चक्रवात के आगमन के पहले आकाश में उभर आते हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है, तो ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। आगे चले हम लोग छठवें में देखते हैं, देखें बहुत बढ़िया साथियों प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो है आरओ एआरओ यूपी पीसीएस में बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि कथन कारण वाले। तो देखें हमें एक तरफ यहाँ कथन दे दिया है ए और कारण आर दिया है और कह रहा है कि उसी को पढ़कर हमें सही उत्तर देना है। तो कथन को पढ़ें तो बंगाल की खाड़ी की औसतन सागरी तापमान अरब सागर की अपेक्षा अधिक है, सही बात है साथियों, इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो ये बात सही कह रहा है, इसीलिए अतः यहाँ चक्रवाते को उत्पत्ति अधिक होती है इसी कारण, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। और कारण में क्या कह रहा है, समुद्री सतह का तापमान और आर्द्रता चक्रवातों के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है, यस मेरे भाई, आर्द्रता और तापमान चक्रवातों के सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। तो ये बातें सही हैं, यानी ए सही है, आर सही है, आर इसका स्पष्टीकरण भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा छठवें का हो जाएगा। तो साथियों हम लोग देखते हैं सातवां प्रश्न, बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये, क्या कह रहा है, वायुमंडल की परतों के ऊंचाई के अनुसार उनका सही आरोही क्रम बताना है, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में बताना है।
तो सबसे पहले क्या होना चाहिए हमारा, स्ट्रेटोस्फीयर होना चाहिए। तो सबसे कम ऊंचाई पर यानी पृथ्वी जो होती है हमारे पास, जो तो साथियों हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 7, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है कि वायुमंडल की परतों की ऊंचाई के अनुसार उनका आरोही क्रम बताना है, सही आरोही क्रम। यानी हम लोग को मालूम है जो वायुमंडल की परतें होती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ऐसे करके ऊपर है आयन मंडल, तो उसी पर है सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, तो यही आरोही क्रम में बताना है। ये क्षोभ मंडल सबसे निचली, ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक क्षोभ मंडल होती है, क्षोभ मंडल में ही मौसमी घटनाएं घटती हैं। इसके बाद जाएंगे तो ये आपको समताप मंडल यानी स्ट्रेटो, फिर उसके बाद ये, तो इस तरह से होगा यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, ये तो है यहाँ पर साथियों। तो यही होगा ऑप्शन नंबर ए होगा उत्तर, मैंने देखा नहीं, ए होना चाहिए, डी नहीं होगा। आगे देखें हम लोग आठवें में, देखें आठवां में क्या कह रहा है हमसे, मिलाने वाला प्रश्न है और बहुत बेहतरीन प्रश्न है। एक तरफ चक्रवात हमें दिया है और दूसरी तरफ उनका नामकरण करने वाला देश दिया है। आपको मालूम है चक्रवात जो होता है उसका कोई ना कोई देश उसका नामकरण करता है, तो जो ये मोचा चक्रवात है साथियों, मोचा नाम में है, मोचा लगा है, तो मोचा इसका नामकरण कौन किया था, यनम, ये दो पर चला आएगा, मिलाएगा मोचा का यनम और चक्रवात मिचौंग जो अभी चर्चा में कुछ दिन पहले था, मिचौंग चक्रवात, मसे मिचौंग, मसे म्यांमार, तो ये म्यांमार में था चक्रवात बिपरजॉय। बिपरजॉय कहाँ था, बी से बांग्ला, बी से बिपरजॉय, तो ये बांग्लादेश में। और एक बच गया हमारा चक्रवात हामून, ईरान में चला आएगा ये। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा बन रहा है, ए दो पर, बी तीन पर, सी चार पर, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये बी बन रहा है, यही वाला उत्तर होगा। आगे बढ़े हम लोग नौवें में, नौवें में देखते हैं क्या है। एक तरफ साथियों फिर कथन कारण वाले सवाल, कथन है और कारण है, इसको पढ़कर हमें सही उत्तर देना है। क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, यह साथियों मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, पृथ्वी के सबसे निचली परत होती है वायुमंडल की, क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएँ घटती हैं, ओहरा पाला, कोहरा, बारिश, ये सब बादल उदल बनते हैं, और जो है इसी को, इसी के नाते इसको परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है, तो ये सही है। और कारण इसका दिया है, इस मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान तीव्र गति से बढ़ता है, नहीं साथियों घटता है। क्षोभ मंडल में आप जैसे ऊपर जाएंगे प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो होता है वो कमी आती है, तो घटता है क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर, तो ये बढ़ता दे दिया तो ये गलत हो गया, तो केवल एक सही होगा, ए सही है, आर गलत है, सी उत्तर होगा इसका। चले हम लोग आगे बढ़ जाएं दसवें में, देखें इसमें क्या कह रहा है आपको, सही कथनों का चयन करें। सही कथनों का चयन कर देना है साथियों, दो ठो कथन दिए हैं भाई साहब, तो इन्हीं दोनों कथनों को पढ़कर हम उत्तर बता दें। तो एल्बिडो, एल्बिडो कुछ सौर विकिरण से परावर्तित विसरित सौर विकिरण की गणना है। एल्बिडो जो सफ़ेद चीज़ें होती हैं उस पर ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा लौटा देती है, तो शुष्क बालू का एल्बिडो कम और घास का सर्वाधिक होता है। तो चले साथियों हम अगला देखते हैं, यहाँ पर हमारी दोनों के दोनों बातें सही हैं। आगे चले हम लोग, तो यहाँ पर 11 को हमें देखना है, तो देखें 11 में भी कथन कारण, कथन कारण सवाल बहुत आते हैं इसलिए इसमें दिया है ऐसा। तो सभी सभी चीज़ें यहाँ करंट में थी, तो उसी ने उसी से जोड़ के आपको सारा प्रश्न पूछा है। तो साथियों चलें, कथन कह दिया है सूर्यातप यानी सोलर रेडिएशन की बात कर रहा है, जो सूर्य की ऊर्जा, जो सूर्य की तरंगे पृथ्वी पर आती है उसी को सूर्यातप कहा जाता है। सूर्यातप विषुवत रेखा पर सर्वाधिक और ध्रुवों पर कम होता है, यह साथियों सही बात। ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री, तो यहाँ पर सूर्यातप ज़्यादा होती है यहाँ पर विषुवत रेखा पर, और जैसे जैसे आप इधर जाएंगे जो है ध्रुवों की ओर तो वहाँ पर कम होती जाएगी, तो ये बात सही है। इसलिए यहाँ पर विषुवत से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता भी कमी आने लगती है, तो ये बात सही है। कारण सौर विकिरण का जो भाग पृथ्वी की ओर आता है उसे सूर्यातप कहते हैं, सही बात मैंने पहले बताया।
जो सभी स्थानों पर समान नहीं होता। यस, सभी स्थानों पर समान नहीं होता है। तो ये दोनों 11 का, ये दोनों के दोनों बातें सही हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है और उसका व्याख्या भी है। आगे चलें हम लोग, देखें 12 में। 12 में कह रहा है, साथियों निम्नलिखित में से कौन एक प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है? तो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा साथियों यहाँ हम्बोल्ट है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12वें का उत्तर हो जाएगा। तो आगे चले हम, देखें अवसादी चट्टानों के बारे में कुछ कथन दिया है आपको, इन्हीं कथनों को अच्छे से पढ़कर हमें असत्य उत्तर देना। यहाँ ध्यान रखिएगा, असत्य उत्तर पूछ रहा है, सत्य नहीं। क्योंकि अगर आप गलती से सत्य मान लिए तो आपका सब आता हुआ भी आप गलत करके आएंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, असत्य यानी जो गलत होगा उसी को बताना है। तो साथियों यहाँ पर पहला देखें, ये चट्टानें जीवाश्म एवं रवे रहित होती हैं। अवसादी चट्टान साथियों जीवाश्म एवं रवे रहित, रहित का मतलब नहीं। तो नहीं मेरे भाई, ये गलत कह रहा है। जीवाश्म चट्टानों में रवेदार होती हैं, और उसमें ये अवसादी चट्टानों में जीवाश्म होता है और रवेदार भी होती हैं। तो ये बातें इसकी गलत निकल गई, तो गलत निकल गई, जो गलत है उसी को बताना है। तो यानी वो आप विकल्प में एक होना चाहिए, जिस विकल्प में एक नहीं होगा अब वो गलत हो जाएगा। तो इसमें एक नहीं है ये गलत हो गया, इसमें एक नहीं है ये गलत हो गया, तो बचा हमारा ये, यही उत्तर होना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि ये अस्तरी चट्टान तो होती हैं, अवसादी चट्टान अस्तरी चट्टानें होती हैं, इसमें अस्तर पाया जाता है, ज्वाइंट फार्म होता है, ये सही है, लेकिन हमें गलत बताना है तो ये गलत हो गया। बात अपने में सही है लेकिन गलत पूछा है इसलिए ऐसा गलत हो जा रहा है। ये भी बात सही है, यहाँ पर ये दामोदर एवं गोदावरी नदी बेसिनों में स्थित अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। यस, मैंने पहले बताया जीवाश्म पाए जाते हैं, तो ये भी सही है, लेकिन हमारे लिए अब ये गलत हो गया क्योंकि हमसे गलत पूछा। तो 1 और 4 केवल सत्य हैं, ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़ें हम लोग 14 में, एक रूपांतरी चट्टान है। तो कौन सा एक रूपांतरी चट्टान है साथियों? रूपांतरी चट्टान क्या होता है साथियों? जैसे एक मूल चट्टान, जैसे यहाँ ज्वालामुखी हुआ, ज्वालामुखी होता है, तो जो मलबा अंदर से निकल कर आया पृथ्वी पर, फैल गया मलबा ऐसे, तो ये मलबा ठंडा हो जाता है, तो इसे मूल चट्टान कहते हैं या आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टानों को ही मूल चट्टान कहते हैं या चट्टानों का पिता कहते हैं। इसी आग्नेय चट्टानों पर टेम्परेचर, प्रेशर और तमाम प्रकार के जो है रासायनिक, भौतिक, जैविक क्रियाओं से परिवर्तन होता है, तो रूपांतरित हो जाती हैं। तो साथियों यहाँ पर कह रहा है कौन रूपांतरित हैं, तो नीस रूपांतरित है साथियों। एक चट्टानें होती हैं ग्रेनाइट, ग्रेनाइट पर जो है प्रेशर टेम्परेचर के कारण ये ग्रेनाइस नीस में बदल जाता है, और जो है यही रूपांतरित है और बाकी सब रूपांतरित नहीं है। अभी जैसे चूना पत्थर हुआ, चूना पत्थर, तो इस पर प्रेशर टेम्परेचर कारण रूपांतरित होकर यह मार्बल यानी संगमरमर में बदल जाती है, मरमर। तो इसीलिए ये सब याद रखिए, यहाँ पर रूपांतरित चट्टान नीस होगी। कहाँ से रूपांतरित होती है? ग्रेनाइट से रूपांतरित होकर नीस बनती है। आगे बढ़े हम लोग 15 में, साथियों हमारे पास संसाधन तो कम है, लेकिन साथियों अगर आपका आशीर्वाद सपोर्ट मिला तो हम भी संसाधन बढ़ाएंगे और चीज़ों को और बेहतरीन करेंगे। तो इसके लिए आपको सपोर्ट करना है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो जो लोग घिसा पीटा पढ़ा रहे हैं वही लोग पढ़ाएंगे और वही लोगों की सब लोग बच्चे कठपुतली बनेंगे। तो साथियों यहाँ पर चीज़ों को कोई भी होता है अच्छे से डिस्कशन किया जाता है, प्रमाणिक चीज़ों को बताई जाती है। तो यहाँ पर साथियों देखें, आपको कह रहा है शील्ड ज्वालामुखी, शील्ड ज्वालामुखी के बारे में गलत कथन को बताना है। शील्ड ज्वालामुखी के बारे में बताना है, वो भी गलत, यानी का क्या गलत लिखा है शील्ड ज्वालामुखी के बारे में उसे बताना है। और यहाँ ऑप्शन में ध्यान रखिए, अपना दिमाग चारों ओर लगाइए, एक ही गलत है कोई, यानी क्योंकि विकल्प में एक ही दिया है, केवल 3 हो सकता है या केवल 4, केवल 1 या केवल 2, यानी केवल 1 सही है इनमें से और 4-3 मतलब 3 सही हैं 1 गलत है, तो उसी एक गलत को पकड़ना है। तो शील्ड ज्वालामुखी के बारे में जानते हैं, यह कम विस्फोटक होते हैं, तो यहाँ पर 1 दे दिया है अत्यधिक विस्फोटक, तो यही हमारा गलत होगा। तो केवल यहाँ पर क्या, केवल 2, ऑप्शन नंबर ये डी हमारा गलत है। और शील्ड ज्वालामुखी मालूम है यह कम श्यानता वाले बेसाल्टिक लावा होते हैं, यानी श्यानता मतलब गाढ़ापन, यानी
यानी इनका जो लावा होता है यह गाढ़ा कम गाढ़ा होता है। अब सारी प्लेट सीमाओं पर पाए जाते हैं। इथोपिया के अपार क्षेत्र में स्थित एक सक्रिय शील्ड ज्वालामुखी, ये सब सही है, यही गलत था, यही हमारा उत्तर हो जाएगा डी। आगे चले हम लोग 16 में, देखते हैं साथियों यहाँ पर क्या है। यहाँ पर आपको दिया है एक तरफ प्रमुख ज्वालामुखी और दूसरी तरफ देश, कौन सा ज्वालामुखी किस देश में पाई जाती है। तो यहाँ देखो मेरापिया, तो मेरापी यहाँ दे दिया है या यहाँ पर है, तो इसे ट्रिक याद रख दीजिए। आप लोग गाना सुने होंगे ना, मेरा पिया बड़ा रंगीला, तो मेरापी या, तो ऐसे ट्रिक याद कर लीजिएगा। तो ये चला आएगा यहाँ पर। अब देखें क्या होगा हमारा, और बिलारिका जो होती है वो चली आएगी चिल्ली पर, बिलार चिल्लाती है, तो ऐसे सोच लीजिएगा बिला यानी बिलार चिली, तो यहाँ पर चला आएगा। और हमारा क्या है, माउंट उलाउन, माउंट उलाउन है, तो ये कहाँ पर चला आएगा साथियों, ये पापुआ गिनी, कहाँ है, यहाँ है। और एक तो बचा है हमारा ये किलायू, कहाँ चलाएगा, हवाई द्वीप पर। तो इस तरह से साथियों हमारा डी चलाएगा, दो पर होना चाहिए, ए तीन पर होना चाहिए। तो यही हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, आगे चलें हम लोग साथियों। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, सभी ये चीज़ें करंट में थी, उसी से जोड़कर प्रश्न बनाया गया है। आजकल का ट्रेंड हो गया है कि जो चीज़ें पूछी जाती हैं अगर करंट से आप परिचित हैं और जीएस पढ़े हैं, जीएस तो पढ़ना पड़ेगा लेकिन करंट को पढ़ोगे तभी वही पढ़ना है जो करंट में चीज़ें हैं। तो क्या है इसमें, असत्य कथन को पकड़ लो, असत्य कथन। तो असत्य कथन क्या है उसे पकड़ना है। तो देखो आपको मालूम है भूकंप अधिकेंद्र की स्थिति भूकंप मूल के लंबवत होता है। साथियों आप लोग को मालूम है पृथ्वी, मान लीजिए ये पृथ्वी है और यहाँ से भूकंप जो है निकली, भूकंपी तरंगे कहाँ से निकली, यहाँ से, तो इसे भूकंप फोकस कहा जाएगा, भूकंप मूल। और ये अपने डायरेक्ट निकल कर कहाँ जाते हैं, जस्ट लंबवत। तो इसको जहाँ पर पृथ्वी पर ये जाके लंबवत टकराती हैं, सबसे पहले पहुँचती हैं, उसे भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है। तो ये फोकस हो गया, ये फोकस हो गया नीचे वाला, ये अधिकेंद्र हो गया। तो याद रखिएगा ये बातें सही हैं। भूकंप आने पूर्व वायुमंडल में रेडान गैस दौड़ने लगती है, ये भी बातें सही है, लेकिन हमें असत्य बताना है। भारत में भूकंपी संभावित क्षेत्र जोन एक से लेकर जोन पाँच तक है, तो मेरे भाई यही गलत है, क्योंकि जो भूकंप संभावित क्षेत्र हैं जोन एक में भूकंप की संभावना को नहीं रखा गया है, जोन दो से लेकर जोन पाँच तक को भूकंप संभावित क्षेत्र रखा गया है, तो यही गलत है। तो सब सही हैं, ये भी सही है अपनी जगह पर, ये भी सही है, तो गलत पूछा, गलत सी है, ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा। 18 देखते हैं, महासागरों में कौन सा भाग जीवाश्म ईंधनों का स्रोत है। तो महासागरों में कौन सा भाग जीवाश्म ईंधन का स्रोत है, तो साथियों महाद्वीपीय शेल्फ, यही जो होता है जीवाश्म का स्रोत होते हैं। आगे देखें 19 में क्या है, देखें वनी बायोम, निम्नलिखित में से वनी बायोम में किस एक प्राणियों के लिए आहार प्रवास नहीं करना पड़ता है। तो साथियों मानसून, देखिए वनी बायोम यानी जीव जंतुओं से संबंधित दिया है, तो ऐसे कौन से क्षेत्र में जीव जंतु रहते हैं, मतलब ऐसे किस क्षेत्र के जीव जंतु हैं जिनके भोजन के लिए उन्हें भटकना नहीं पड़ता है, बारहों मास उन्हें भोजन मिलता है। तो साथियों मालूम है आपको ये मानसूनी वन बायोम होना चाहिए या बिसवती वन बायोम, तो इन्हीं दोनों में से एक होना चाहिए। तो बिसवती वन बायोम, यहाँ टेम्परेचर हमेशा अधिक रहता है, यहाँ उतार चढ़ाव टेम्परेचर में नहीं पाया जाता है ज़्यादातर, यहाँ हमेशा घास फूस पेड़ पौधे रहते हैं, तो यहाँ के जो जीव जंतु है उन्हें हमेशा प्रवास नहीं करना यानी माइग्रेशन भटकना नहीं पड़ता है, तो ऑप्शन बी उत्तर हो गया। 20 में देखते हैं हम लोग क्या है, 20 में कथन कारण है। कथन कारण को आप लोग कतई इसको एकदम इससे एकदम मोहब्बत कर लीजिए जैसे औरों से करते हैं। कथन कारण हो गया, मैचिंग हो गया, यही सब सवाल आरओएआरओ यूपीपीसीएस बिहार पीसीएस अन्य स्टेट में ऐसे ही सवाल आने का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, अब वन लाइनर में बहुत कम होते जा रहे हैं। तो अभी कथन पढ़ना है, कारण आर पढ़ना है, उसके बाद सही उत्तर देना है,
तो उच्च अक्षांश में स्थित होने के बावजूद उत्तरी सागर में लवणता अधिक पाई जाती है। यस मेरे भाई, उच्च अक्षांश का मतलब जैसे ये 0 डिग्री का हो गया विषुवत रेखा, आप जैसे जैसे इधर जाएंगे तो इसे उच्च अक्षांश बोला जाएगा। तो उच्च अक्षांश में स्थित होने के कारण उत्तरी सागर में लवणता अधिक पाई जाती है, इसलिए अधिक पाई जाती है साथियों। कम पाना चाहिए क्योंकि ज़्यादा जो है यह है जो है उच्च अक्षांश में है, उच्च अक्षांश में वाष्पीकरण कम होता है तो उसकी लवणता कम होनी चाहिए। तो लवणता क्यों अधिक पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो है वाष्पीकरण, यहाँ दे दिया है उत्तरी सागर में वाष्पीकरण अधिक होता है। मैंने पहले कहा जब उच्च अक्षांश पर है, टेम्परेचर वहाँ कम है तो वाष्पीकरण कैसे ज़्यादा होगा, तो वाष्पीकरण नहीं ज़्यादा होता है वहाँ पर। बहुत सारे जो है समुद्री जल आकर मिल जाता है, उसमें समुद्री जल खारा होता है और उत्तरी सागर में समुद्री जल मिल जाता है तो अटलांटिक महासागर का, इसलिए वो खारा हो जाता है वाष्पीकरण की वजह से। नहीं तो ये गलत हो गया, केवल ए सही है, ए सही आर गलत। बहुत बढ़िया। 21 में देखें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो एक नहीं है उसी को हमें पकड़ना है कौन सा नहीं है। तो साथियों कनारी धारा ठंडी धारा है उत्तरी अटलांटिक महासागर की, अलगुहास है साथियों यह गर्म जल धारा है हिंद महासागर की, हम्बोल्ट दे दिया है, हम्बोल्ट साथियों उत्तरी प्रशांत महासागर कहा है, तो हम्बोल्ट साथियों दक्षिणी प्रशांत की एक ठंडी धारा है, उत्तरी नहीं ये दक्षिणी प्रशांत की ठंडी धारा है। तो याद रखिएगा यही गलत था, यही हमने बता दिया, बाकी यही ब्राज़ील की धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर। तो सबको याद कर लीजिएगा जो तीनों अभी सही मैच है, तो इसको याद कर लीजिए, कम से कम ये तीनों याद हो जाएंगे। देखें वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, बहुत बढ़िया प्रश्न, ऐसे प्रश्न कई सारे पूछे जाते हैं। हमारा वायुमंडल जो गर्म होता है तो कैसे गर्म होता है, सौर विकिरण से, यानी जो सूर्य से, जिसे यहाँ पर एक मिनट, जैसे ये सूर्य हो गया तो सूर्य से जो एनर्जी आती है, अब हमारा यहाँ नीचे पृथ्वी हो गया तो सूर्य से जब पृथ्वी पर रेडिएशन आता है तो वो शॉर्ट वेव के फार्म आता है, शॉर्ट वेव के फार्म, और पृथ्वी पर आने के बाद जब लौटाती है पृथ्वी तो लॉन्ग वेव फार्म में, तो लॉन्ग वेव फार्म में जाती है तो उसी से गर्म होती है, यानी पार्थिव विकिरण से, यानी पृथ्वी से होकर जो विकिरण जाता है, पार्थिव मतलब पृथ्वी, पार्थिक, तो पार्थिव विकिरण से होकर जाती है उससे वायुमंडल गर्म होता है, यानी सूर्य से जो आती है उससे नहीं गर्म होता है, सूर्य से आकर पृथ्वी से टकराकर फिर जो जाती है उससे गर्म होता है। तो ये चीज़ें हमारी सही हैं। आगे हम लोग देखें 23 वाले में, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन सी परत जो जैविक क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है, कौन है भाई, तो देखें हम क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है इसमें, कौन सी परत जो जैविक क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जैविक क्रियाओं के लिए। तो साथियों क्षोभ मंडल, यही हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सारी जैविक क्रियाएं ऐसी होते हैं, क्षोभ मंडल मैंने पहले बताया था, ये पृथ्वी के सबसे पास वाले क्षोभ मंडल है, तो क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं घटती हैं, बादल, वर्षा, कोहरा, ये सब क्रियाएं इसी में होती हैं, तो इसलिए इसे जैविक क्रियाएं भी कहा जाता है, जैविक क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है क्षोभ मंडल। आगे देखें, और इसको तो जानते हैं समताप मंडल, जो जहाज़ उड़ाते हैं इसी में उड़ाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ बादल टकराने की जरूरत, मतलब चांस नहीं होते हैं, और आपका ओजोन यहीं पर पाया जाती है O3। आगे चले हम लोग, और जो मतलब ये जो छोड़ी जाती है सैटेलाइट वगैरह आयन मंडल में। आगे चले हम लोग 24 में देखते हैं क्या है, देखें एल्बिडो, तो साथियों एल्बिडो यहाँ पर पूछ रहा है एल्बिडो क्या है, तो मैंने पहले भी इसकी चर्चा की थी एल्बिडो पर, पृथ्वी का एल्बिडो क्या होता है। तो एल्बिडो साथियों क्या होता है, पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित जो मात्रा जो होती है, तो 24वें का हमारा जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ सौर विकिरण ऊर्जा की परावर्तित मात्रा। तो देखें जैसे ये सूर्य से आई तो पृथ्वी पर पहुँचने से पहले जो लौट गया,
जितना सोलर रेडिएशन वापस हो गया उसी को हम लोग सौर विकिरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी एल्बिडो कहते हैं। तो तापी प्रतिलोमन क्या है, अब यहाँ पर तापी प्रतिलोमन के कारण, तो पहले आपको समझना पड़ेगा तापी प्रतिलोमन क्या होता है। तो तापी प्रतिलोमन साथियों क्या होता है, जैसे आमतौर पर मैंने बताया क्षोभ मंडल में नीचे से ऊपर जाने पर प्रत्येक 165 मीटर पर जो है 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर में कमी आती है। लेकिन तापी प्रतिलोमन कभी कभी हो जाता है तो आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, इसी को जो है तापी प्रतिलोमन कहा जाता है। यानी जो ऊपर की वायु होती है वो ऊपर की वायु परतें होती है गर्म हो जाती है, नीचे की ठंडी, तो इसकी वजह से जो स्ट्रीम नहीं बन पाता, वायु धाराएं नहीं बन पाती, तो वर्षा नहीं होती है, तो वर्षा की संभावनाएं कम हो जाती हैं, ऑप्शन नंबर बी तापी प्रतिलोमन के कारण। तापी प्रतिलोमन समझ में आ गया ना कि जो नॉर्मल कंडीशन से उल्टा होती है, यानी ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ने लगे तो उसे तापी प्रतिलोमन कहते हैं। 26 में क्षैतिज पवनों का अभाव पाया जाता है। तो क्षैतिज पवनों का अभाव कहाँ पाया जाता है साथियों, डोलड्रम क्या होता है, ये एक ऐसी स्थिति होती है कि मतलब वायु दाब बहुत ही कम हो जाता है, एयर प्रेशर बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण वायु जो होता है चक्कर खाकर ऊपर उठने लगती है, लेफ्ट राइट आगे पीछे, यानी क्षैतिज नहीं बहती है, ऊर्ध्वाधर चली जाती है। तो कभी कभी समुद्र में जब पहले लोग आते थे पतवार लेकर, अपनी जो हवाओं के सहारे नाव चलती थी पतवार बोला जाता था, तो वो जब कभी कभी डोलड्रम की स्थिति हो जाती थी तो वो नाव उनकी वहीं फंस जाती थी, आगे पीछे नहीं जा पाती, क्योंकि हवा के सहारे जाती थी तो नहीं जा पाती थी, तो अपना सब सामान वामान वहीं फेंक देते थे समुद्र में अपने निकलने के लिए। तो डोलड्रम क्या है, क्षैतिज पवनों का जहाँ अभाव पाया जाता है। आगे चले हम लोग 27 में, देखें यहाँ पर कथन कारण है, तो हम लोग कथन को पढ़ लें, कारण को पढ़ लें, उसके बाद उत्तर दे दें सही उत्तर। तो पूर्णमासी या अमावस्या को दीर्घ ज्वार अनुभव होता है। यस मेरे भाई, पूर्णमासी हो या अमावस्या हो, दो दिन जो है इसी दिन जो है पूर्ण जो है दीर्घ या बड़ा ज्वार का अनुभव किया जाता है। और यहाँ पर दिया है सिजगी की स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। तो यस मेरे भाई, यहाँ पर जो होती हैं हमारे दोनों के दोनों बातें सत्य हैं हमारा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चले हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो साथियों क्वेश्चन 28 में क्या कह रहा है कि कथनों पर विचार कर लीजिए, विचार करके तो असत्य कथन को पहचानिए। तो जहाँ असत्य पूछे मार्किंग जरूर किया करिए, नहीं तो कन्फ्यूजन में आप गलत करके आएंगे। ऐसे सवाल आता हुआ भी बहुत गलत होता है। तो पर्वतपदी पठार क्या होते हैं साथियों, ऐसे पठार जो एक ओर पर्वतों से घिरा हो और दूसरी ओर सागर या मैदान से घिरे होते हैं। तो ये बात हमारा केवल सागर से घिरे हों, तो यहाँ मैदान दे दिए साथियों, इसकी वजह से यहाँ पर ये गलत होने लगा, क्योंकि साथियों केवल जो है, हाँ सही है, सागर या मैदान से घिरे होते हैं, सही बात है, मैं कंफ्यूज हो गया था। तो पर्वतपदी पठार क्या होते हैं, एक ओर उच्च पर्वत और दूसरी ओर सागर या मैदान से घिरे होते हैं, तो उन्हें पर्वतपदी पठार कहा है, तो ये बातें सही हैं। तो इसका उदाहरण ब्राज़ील का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पठार पर्वतपदी पठार के उदाहरण है। तो यहाँ पर असत्य कोई नहीं है, सब के सब सत्य हैं, डी हो जाएगा। 28-29 में देखते हैं, देखें 29 में मैचिंग वाले सवाल हैं, तो मैचिंग वाले सवाल कम सूचनाओं में हम लोग उत्तर को निकालना सीखें। देखें जल संधि एक तरफ दिया है और दूसरी तरफ उसका लोकेशन, कौन सी जल संधि कहाँ है। तो साथियों जो हमें आता है क्लियर, सबसे पहले उसी को मिला दें। यहाँ एक दिया है साथियों फारबोसा साथियों आप लोग जानते हैं पूर्वी चीन और दक्षिणी चीन में है, यहाँ पर ये चला आएगा। और हारमूज कहाँ है साथियों, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में, तो ये चला आएगा यहाँ पर। तो देखें दो से हमारा काम बना, सी एक पर होना चाहिए, डी तीन पर, तो सी एक पर डी तीन पर, यानी अब क्लियर हुआ कि ये ए तो नहीं होगा और ये बी भी नहीं होगा, होगा तो सी और डी में से होगा।
और अगली सूचना हमें क्या है, यहाँ पर सुगारू है। सुगारू कहाँ है साथियों, जापान एवं प्रशांत महासागर में। तो ये चला आएगा चार पे, यानी बी चार पे होना चाहिए। तो बी चार कहाँ है, ये यहाँ है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी उत्तर होगा। और बाकी एक जो बचा है वो तो अपने मिल जाएगा, ये हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए तीस में, देखें मरुस्थल है और उसकी विशेषताएं हैं। तो जो मरुस्थल विशेषताओं से मिस मैच है, गलत मैच करा दिया है इन्होंने, उसी को आपको पकड़ना है। तो साथियों आपको मालूम है गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल एशिया में स्थित एक ठंडा, बहुत ठंडे जो मरुस्थल है उनमें से एक है। तो गोबी एशिया में है, तो ये गोबी कहाँ है आप लोग को मालूम है, चीन के मंगोलिया में स्थित है। तो वो भी चीन मंगोलिया भी एशिया में आता है। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं क्या दिया है, नूबियन, नूबियन दिया है सहारा मरुस्थल के पश्चिम में। तो साथियों यहाँ पर यही गलत दे दिया है, नूबियन मरुस्थल सहारा मरुस्थल के पूर्व में है, यहाँ ईस्ट में होना चाहिए था, तो इसलिए यह गलत हो गया। और बाकी सब सही है। अटाकामा मरुस्थल आप लोग को मालूम है दक्षिण अमेरिका में है, ये दक्षिण अमेरिका का जो है सबसे शुष्कतम मरुस्थल होता है, विश्व का जितना सबसे सूखा मरुस्थल है यही पाया जाता है, और यहाँ पर नाइट्रेट भी पाया जाता है। तो ये हो गया ये सही, कालाहारी मरुस्थल बुशमैन जातियों का निवास, जनजातियों का। तो बी यहाँ पर गलत है। 31 में देखें क्या है साथियों, देखें ये क्या कह रहा है, यहाँ पर एक तरफ नदियाँ हैं दूसरी तरफ देश है, कौन सी नदियाँ किस देश में बहती हैं उसी को मिलाना है। तो देखें जो सबसे ज़्यादा क्लियर हो उसी को मिलाइए, हडसन कहाँ बहती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ओब कहाँ है, रूस में। तो दो से हमारे उत्तर साल हुआ कि नहीं, ए चला आएगा चार पर, बी आएगा तीन पर, ए चार बी तीन। तो देखिए हमारा उत्तर काम बन गया, इतने से मिल गया हमें, बी यही होगा, और सी एक पर चला आएगा और डी दो पर, यही उत्तर होगा बी हमारा। तो हमने दो ही जानकारी से हमने उत्तर को निकाल लिया था। आगे देखें तो ऐसा प्रश्न आए तो आप लोग सबसे पहले उसको मिलाया करिए जो आपको आता रहे या ज़्यादा क्लियर रहे। तो देखें 32 में क्या कहा है, भू प्रपटी में सर्वाधिक मात्रा, तो सर्वाधिक मात्रा पाए जाने वालों का तीन तत्व तो कौन से हैं। तो आप लोगों को मालूम है हमारे भू प्रपटी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, लगभग 46% ऑक्सीजन लगभग 46% है, और सिलिकॉन लगभग 27% अकेले है, और लगभग एल्युमिनियम भी है लगभग 8-9%, उसके बाद आता है आयरन यानी लोहा भी आता है 5%। ये ऑक्सीजन, ये वाला हमारा क्रम सही होगा, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिलिकॉन एल्युमिनियम आयरन, ऐसे करके आगे बढ़ें। आग्नेय चट्टानों का उदाहरण नहीं है, तो साथियों मैंने पहले आपको बताया था, तो आग्नेय चट्टानों का उदाहरण नहीं है। तो आग्नेय चट्टानों क्या होती हैं, मूल चट्टानें होती हैं, चट्टानों का पिता होता है, जो ज्वालामुखी के बाद जो सबसे पहली चट्टान बनती है वो होती है। तो इसका उदाहरण कौन सा नहीं है, तो मेरे भाई संगमरमर सीधी दिख रहा है, मैंने पहले भी आपको बताया था शुरुआत में ही संगमरमर कैसे बनता है, मार्बल्स। तो ये जो चूना पत्थर होता है उस पर प्रेशर टेम्परेचर के वजह से वो परिवर्तित हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है संगमरमर में, चूना पत्थर। तो ये होगा, ये संगमरमर कैसे बनता है, चूना पत्थर के रूपांतरण के कारण। तो आग्नेय चट्टानों का उदाहरण ये नहीं है। आगे बढ़ जाएं हम लोग, 34 में देखें क्या है, 34 में साथियों कह रहा है एक तरफ आपको दिया है पर्वत, दूसरी तरफ देश दिया है, तो उस देश को उस पर्वत से मिला दीजिए। तो पहले आपको मालूम होना चाहिए साथियों, ये एटलस, इतना तो मालूम है एटलस जो है ये अफ्रीका में है, कहाँ है, ये अफ्रीका में है। तो अफ्रीका में अफ्रीकी देश यहाँ पर कौन है, तो ये हमें दिख रहा है मोरक्को, तो ये मोरक्को में है, यस, तो एटलस मोरक्को में। तो और क्या है यहाँ पर साथियों, यह माउंट टिटलिस, तो माउंट टिटलिस कहाँ है साथियों, यह स्विट्जरलैंड में है,
माउंट इटलिस कहाँ, स्विट्जरलैंड में, और दक्षिणी आल्प्स ये न्यूजीलैंड में है, दक्षिणी आल्प्स दक्षिणी आज न्यूजीलैंड में, और वाइट पर्वत कैलिफोर्निया में। तो इस हिसाब से हमारा जो है ए जो है 4 पर होना चाहिए, बी 3 पर, सी 1 पर, डी 2 पर, तो हमारा ये ऑप्शन डी बन रहा है उत्तर ये वाला। आगे बढ़े हम 35, देखें 35 में क्या है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में शीत वाताग्रों के सहारे मुख्यतः वर्षा किस प्रकार के बादलों से होती है। साथियों शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में शीत वाताग्रों के सहारे मुख्यतः किससे वर्षा होती है, तो कपासी वर्षा मेघ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 35 का, कपासी वर्षा मेघ से उत्तर होती है। कपासी वर्षा मेघ का एक पहचानने का तरीका होता है, बौछार के साथ ज़्यादा वर्षा होती है, झंझावत होती है, यही इसके लक्षण होते हैं। तो आगे देखें हम लोग 36 में, भूमध्य रेखी जलवायु की विशेषता नहीं है। तो भूमध्य रेखी जलवायु की विशेषता नहीं, तो भूमध्य रेखी क्या होता है साथियों, जो भूमध्य रेखा पर पाई जाती है जलवायु, तो उसकी विशेषता कौन सा नहीं है, तो वहाँ शीत ऋतु उपस्थित नहीं होती है, तो यहाँ लिख दिया शीत ऋतु उपस्थित होती है, तो यही गलत है साथियों। भूमध्य रेखा की जलवायु होती है वहाँ वर्ष भर हाई टेम्परेचर रहता है, तापांतर नहीं मिलेगा, जब वर्ष भर हाई ट्रांसफर जो है ताप टेम्परेचर रहेगा, उच्च तापमान रहता है, तो ठंड रहता ही नहीं, तो गर्मी ठंडी में डिफरेंस ही नहीं मिलेगा, तो ये भी सही है। संवहनी प्रकार की वर्षा होती है, तो शीत ऋतु नहीं पाया जाता है, तो यहाँ लिख दिया पाया जाता है, इसलिए गलत है। सेब उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध बेका घाटी कहाँ है, तो साथियों यहाँ सेब उत्पादन के लिए एक विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र है बेका घाटी, तो बेका घाटी साथियों ये कहाँ है, लेबनान में, लेबनान की राजधानी बेरूत है, याद रखिए पूछा जाता है बहुत, तो बेरूत, तो लेबनान को साथियों एक कहा जाता है उसमें कि ये लेबनान जो है मध्यपुर, यानी मध्य में है लेबनान, मध्यपुर में है, तो मध्यपुर का स्विट्जरलैंड है, तो ये इसके बारे में कहा जाता है मध्यपुर का, यानी मिडल ईस्ट का स्विट्जरलैंड। जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं पूछा गया होता है किसी न किसी एग्जाम में, तो उससे रिलेटेड मैं बातों को बता देता हूँ तो आपके लिए सही रहेगा। कथन दिया है कारण, कथन कारण को पढ़कर सही उत्तर बताइए। एक ही अच्छान पर स्थित स्थान में तापांतर और जलवायु समान होते हैं, तो मेरे भाई नहीं, एक ही अच्छान पर अगर स्थान स्थित हैं तो ज़रूरी नहीं होता है कि उसके तापमान और जलवायु समान होते हैं, ये बात सरासर गलत है, और ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, तो यस ये बात सही है, तो केवल आर सही है, ए गलत है, तो डी हमारा उत्तर सही हो जाएगा 38वें का। चले हम अगले पर देखते हैं 39, देखें 39 में हमसे क्या पूछ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, विचार करके बताना है कौन सा सही है। तो ये भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं, दूसरा कह रहा है ये भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं, तो ये बात सही है, पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं, ये बात सही है। इनका इनमें भारत में इनका प्रवेश पूर्वी जेट प्रवाह से होता है, तो मेरे भाई ये पूर्वी जेट प्रवाह से नहीं होता है, यही तो गलती कर दिया यहाँ पर, ये पश्चिमी जेट प्रवाह से होता है, वेस्ट यानी पश्चिमी जेट प्रवाह से होता है, तो दो गलत हो गया हमारा इसकी वजह से, केवल एक सही है। देखें अपनी परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है, तो यहाँ पर पूछा है साथियों परिक्रमा पथ, जैसे परिक्रमा लगाती है ना, तो पृथ्वी ये सूर्य हो गया, और जैसे पृथ्वी इसका ये चक्कर अगर लगा रही है, तो इसका परिक्रमा करने पर जो है वो एक सेकंड में 30 किलोमीटर की गति से सूर्य की परिक्रमा करती है, ये याद रखिएगा फैक्ट है, तो बी वाला उत्तर होगा हमारा। 41 में यूरोप की गर्म कंबल नाम से जाना जाता है, तो साथियों आपको बता दें मैक्सिको की खाड़ी में एक स्ट्रीम होती है जिसे मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होती है, ये इसका नाम है गल्फ़ स्ट्रीम, गल्फ़ मतलब खाड़ी होता है, तो
तो गल्फ़ स्ट्रीम जो है ये कहाँ से निकलती है, मैक्सिको की खाड़ी से, बहुत गर्म होती है। तो ये अब पूरब की ओर लगभग जाते जाते यूरोप में चली जाती है, तो वहाँ पर गर्मी का माहौल पैदा करती है, तो इसे यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। तो हमारा यूरोप का गर्म कंबल क्या है, गल्फ स्ट्रीम कहाँ, ये मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है। वह भूगोलवेत्ता जिसने नील नदी का, वह भूगोलवेत्ता जिसने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा था। आप लोग को मालूम है नील नदी को मिस्र का वरदान माना जाता है, तो यह बात किसने कही है, तो यह होमर या कोलंबस, हेरोड्स या वेरिनियस। तो साथियों इतिहास के जो जनक हैं वही कहे हैं, तो हेरोडोट्स, ऑप्शन नंबर सी, हेरोडोट्स इतिहास के जनक भी माने, इतिहास के पिता भी माने जाते हैं। आगे चलें हम लोग, इसेक कुल झील अवस्थित है या कहाँ है, तो साथियों यह किर्गिस्तान में है, 43 का डी हो जाएगा हमारा, किर्गिस्तान में है इसेक कुल झील। तो इसेक कुल झील किर्गिस्तान में है, यह खारे पानी की झील है, क्या है, खारे पानी की झील है, और यह जो है रामसर स्थल में भी यह दर्ज है। देखें 44 में, तो 44 में साथियों बढ़िया है, क्या कह रहा है, एक कथन दे दिया है, इस कथन को पढ़िए, कारण को पढ़िए और उसके बाद उत्तर दीजिए। तो भूमध्य रेखा पर उष्ण कटिबंध चक्रवात नहीं उत्पन्न होते हैं, तो क्या नहीं उत्पन्न होते हैं, तो ये बात तो सही है, भूमध्य रेखा पर उष्ण कटिबंधी चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। भूमध्य रेखा पर कोरियोलिसिस बल की अनुपस्थिति पाई जाती है, तो ये बात सही है, जो उत्पन्न नहीं होते हैं इसी वजह से कि इसमें कोरियोलिसिस बल की उपस्थिति जो है अनुपस्थिति पाई जाती है, अनुपस्थिति नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे 44 का, ए हो जाएगा उत्तर। आगे हम लोग देखें 45 में, साथियों यहाँ क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है, तो चार यहाँ पर जोड़े हैं, एक जोड़ा सुमेलित नहीं है, उसी को बता दीजिए। तो कर मेडे गर्त, एक तरफ गर्त यहाँ सब है और दूसरी तरफ उसका क्षेत्र है, कर मेडेड गर्त जो है यह उत्तरी प्रशांत महासागर में पाई जाती है, तो इसको बताना है, तो यस मेरे भाई ये तो यहाँ नहीं पाई जाती है, कर्मेडिक गर्त उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं पाई जाती है, यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में पाई जाती है, तो दक्षिणी, तो ये गलत हो गया और बाकी सब सही हैं, अपना पढ़ लीजिएगा इसको, यही गलत है। 46, तो पहले ही मैंने इसको बताया, जो संचार उपग्रह होते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट, वे है आयनोस्फीयर में यानी आयन मंडल में जो है अवस्थित किए जाते हैं, बी हो जाएगा उत्तर। देखें जो ब्लैक होल से संबंधित एक प्रश्न है हमारा, बहुत बढ़िया, कथन में कह रहा है कि कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल एक ऐसी खगोलीय अस्तित्व है जिसे केवल दूरबीन से देखा जा सकता है। साथियों गलत, ब्लैक होल को दूरबीन से देखा ही नहीं जा सकता, यह केवल उसके आसपास के गैस, पिंड, जो और तरह के ग्रह हैं उससे पता लगाया जाता है ब्लैक होल को, इसलिए जो है दूरबीन से नहीं देखा जाता है, तो ये गलत हो गया, क्यों नहीं देखा जाता है, तो कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल, इतना हाई होता है कि प्रकाश को भी नहीं निकलने देता, इसीलिए, तो ऑप्शन नंबर, जब प्रकाश को निकलने ही नहीं देता तो हम कैसे देख पाएंगे, जैसे हम कोई चीज़ देखते हैं तो यानी वहाँ से प्रकाश हम लौट कर आ रहा है तब हम देख पाते हैं, जब नहीं निकल आ पा रहा है देख ही नहीं पाएंगे, तो आर हमारा सही है, ए गलत है, तो हमारा डी हो जाएगा उत्तर यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। देखें 48 में कह रहा है एरिडोसोल मृदा यानी एरिडोसोल मृदा का विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, इसमें ह्यूमस की बहुत कमी होती है। आगे देखें 49, उद्योगों की अवस्थिति के संबंध में न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत किसने दिया था, तो साथियों ये दिए थे यह बेबर ने, ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्यों दिए थे ऐसा साथियों, 49वां जो हमसे पूछ रहा है, तो एक अर्थशास्त्री थे अल्फ्रेड बेबर, 1909 में
1909 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसमें उन्होंने बताया था कि परिवहन, न्यूनतम परिवहन लागत को रखेंगे हम इंडस्ट्री में तो अपना लागत कम होगा, जब लागत कम होगा तो बाज़ार रेट भी उसका कम होगा। तो बेबर, अल्फ्रेड बेबर 1909 पुस्तक लिखी, कौन सी पुस्तक लिखी, द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। 50 देखें, बहुत बढ़िया। अभी मैंने बताया था आप जब अपने पृथ्वी से क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर जाएंगे 165 मीटर, तो आपको 1 डिग्री सेल्सियस का टम्परेचर कम ही मिल जाएगा, तो ये बताया था। लेकिन आप उसी पृथ्वी से एक जो है नीचे जाएंगे, अगर आपने दिमाग लगाया, अगर हम नीचे जाएं गड्ढा खोदकर, तो क्या होगा, टम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, तब क्या होगा। तो साथियों यही पूछ रहा है। तो साथियों आप 32 मीटर जाएंगे, ज़मीन खोद सरफेस है, सरफेस से 32 मीटर अगर चले जाएंगे अंदर, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, यानी नीचे जाने पर टम्परेचर बढ़ता है। 51 में
63 में सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। सही बात साथियों, अक्षांश रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे के समानांतर ही होती हैं, ये बात सत्य है हमारा 63 का, तो ये सही है। सभी अक्षांश रेखाएं बृहद वृत्त होती हैं, तो सभी अक्षांश रेखाएं बृहद वृत्त नहीं होती है साथियों। भूमध्य रेखा पर जो है ऐसी अक्षांश रेखा है जो बृहद वृत्त है, अन्य बृहद वृत्त नहीं है, वो न्यून वृत्त होती हैं, केवल यही बृहद वृत्त होती है, बाकी सब न्यून होती हैं। तो ये गलत हो गया, सरासर आपकी आंखों में धूल झोंक रहा था तो हमने पकड़ लिया। सत्य क्या है? सत्य केवल एक है। 64 में देख लेते हैं, मैचिंग का सवाल है, बहुत बढ़िया है। एक तरफ ग्रह दिया है, एक तरफ विशेषताएं दी है, तो ग्रह और विशेषताएं क्या है? बुध सबसे कम परिभ्रमण समय लेता है, तो पहले देखें हम वरुण, यहाँ पर जो कुछ ग्रह हैं और उनकी ग्रह की विशेषताएं बताई हैं, तो साथियों उसी को हमें मिला देना है, किस ग्रह की विशेषताएं क्या हैं। तो हमें पता है सबसे पहले अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, ज़्यादा टेढ़ा है, तो लेटा हुआ अरुण, तो सबसे ज़्यादा हमें ये क्लियर था बी चार पे होना चाहिए, तो बी चार पर होना चाहिए, तो बी चार केवल एक ही में है, सी में है, तो यही उत्तर होगा। देखो हमारे एक ही जानकारी से हमने उत्तर को पकड़ लिया। अब हमें पता है कि और जो जानकारी हमें मालूम होना चाहिए कि बुध जो होता है वह साथियों सर्वाधिक कच्छी गति होती है, सर्वाधिक जो है कच्छी गति होता है, इसका मतलब ये है कि हाईएस्ट ऑर्बिट स्पीड किसकी होती है? यह बुध की होती है, और बृहस्पति की सबसे कम परिभ्रमण रेवोल्यूशन समय लेता है, और जो वरुण का होता है मीथेन का बादल पाया जाता है। तो इस हिसाब से हमारा उत्तर बी। तो यहाँ पर हम 65 को अगर देखें तो 65 में क्या है, 65 में भी मैचिंग वाले हैं, एक तरफ असंबद्धता दिया है और दूसरी तरफ अवस्थिति दी है। तो साथियों इसको ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, असंबद्धता क्या होता है। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी तीन भागों में है, कोर, ये कोर हो गया, और ये दूसरा भाग इसका क्या हो गया, मेंटल हो गया, और तीसरा ये क्रस्ट हो गया, सॉरी ये क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया, ये कोर हो गया। तो जो यहाँ पर कोनराड क्या होते हैं, जो क्रस्ट को दो भागों में अलग करता है, तो क्रस्ट को जो दो भागों में अलग कर दिया यानी बाह क्रस्ट आंतरिक क्रस्ट, तो ये हो जाएगा हमारा कोनराड, यहाँ चला आएगा इस पर। अब मोहो क्या होता है, अभी मैंने बताया मोहो साथियों क्या होता है, जो क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है, यानी ये क्रस्ट और मेंटल को जो अलग करता है वो मोहो होता है। तो बाह मेंटल एवं आंतरिक, ये आंतरिक क्रस्ट और बाह मेंटल, ये इस पर चला आएगा। और देखें हमारा ए तीन पर आना चाहिए, बी दो पर, ए तीन पर बी दो पर, और जो हमारा रिपेटी है, ये रिपेटी कहाँ होगा साथियों, रिपेटी कहाँ पाया जाएगा, बाह मेंटल एवं आंतरिक मेंटल, तो बाह मेंटल एवं आंतरिक मेंटल यहाँ है, तो इस हिसाब से सी चार पे होना चाहिए था, तो सी चार पर, तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा ये वाले में। आगे देखें हम लोग 66, होर्स्ट पर्वत का निर्माण होता है, तो होर्स्ट पर्वत का निर्माण कैसे होता है साथियों, जब दो भ्रंशों के किनारे स्तंभ यथावत रहें और बीच का भाग उठ जाए तो उसे होर्स्ट पर्वत कहते हैं। जैसे ये ऐसे है, यहाँ ऐसे ज़मीन थी, लेकिन फिर ऐसा कुछ आया कि ये दो भ्रंशों के किनारे स्तंभ यथावत रहें और बीच वाला ऊपर उठे, यानी बीच वाला ऊपर उठ गया, तो ये जो कहलाएगा होर्स्ट पर्वत कहलाएगा। 67 में, तो 67 में क्या है, एक कथन पढ़ लीजिए, एक कारण पढ़ लीजिए। सुनामी किसी समुद्र में जल के भारी मात्रा में विस्थापन कारण उत्पन्न होती है, सुनामी प्रमुख कारण भूकंप होता है, तो जी दोनों के दोनों बातें सही हैं, तो ऑप्शन ए उत्तर होगा। 68 में, 68 में क्या कह रहा है,
सही कथनों का चयन करना है। तो सही कथनों का चयन करिए, तो पहले एक में है प्रवाल द्वीप का निर्माण मूंगा जीव के द्वारा होता है एवं प्रवाल द्वीप महासागरों के मध्य में पाए जाते हैं। तो ये जो 68 का हमारा बातें कहा है, ये बातें बिल्कुल सही है ए वाली में। और दूसरा है मालदीव मार्शल द्वीप गिलबर्ट प्रवाल द्वीप के उदाहरण है जी, दोनों के दोनों सही हैं। तो 69 में हमें क्या कह रहा है, 69 में साथियों एक तरफ दिया है हमें घास के मैदान, दूसरी तरफ क्षेत्र, किस क्षेत्र में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं। तो हमें पता है वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, सवाना सूडान में पाई जाती है, और ये जो सेराडो है ये सेराडो कोलंबिया में पाई जाती है, सेराडो ब्राज़ील में तो ये, और लानोस इस पे पाई जाती है। तो हमारा ए 4 पर होना चाहिए, बी 3 पर होना चाहिए, ए 4 बी 3 और सी 1। तो इसलिए हमारा उत्तर बी हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े हम लोग 70 में, देखते हैं क्या है। तो 70 में साथियों एक तरफ उपनाम दिया है और दूसरी तरफ देश के स्थान दिया है, मतलब किसका उपनाम क्या है। तो साथियों में पता है बहरीन मोतियों का द्वीप कहा जाता है बहरीन को, तो इसको मिला दीजिए, और नहरों का शहर वेनिस को कहा जाता है, इसको मिला दीजिए। देखो दो से उत्तर बना हमारा डी 1 पर सी 2 पर, डी 1 पर सी 2 पर, तो यही बन रहा है हमारा, मिल गया उत्तर, यही होगा। तो यानी ए 4 पर चला आएगा ये इस पर, और बी चला आएगा इस पर। आगे चले हम लोग 71 में, तो साथियों हम लोग अभी देख लेते हैं, अभी इसको दो पार्ट में रखते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा उत्तर। तो अभी आधा हो गया लगभग, और आधा यानी हम लोग 70 क्वेश्चन तक देख लिए हैं, और इसके बाद जो 80 क्वेश्चन है हमारे, 80 क्वेश्चन और बच रहे हैं, क्योंकि 150 प्रश्न है, तो 80 को हम पार्ट 2 में रखते हैं, क्योंकि पूरा हो नहीं पाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है हमारा, तो हम हर एक दो पार्ट में करते हैं टेस्ट सीरीज को। तो इस ये हुआ जस्ट, इसके बाद उसका अगला रहेगा, तो हमारा अपलोड करने में हमारा भी सुविधा रहेगा, आपको देखने में भी रहेगा। तो इसके बाद हम लोग लेकर आएंगे दूसरा पार्ट, तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।